हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे क्लास 12th, बेस्ड ऑन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो केस स्टडी के क्वेश्चन में सभी को पता होगा कि पहले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पेस्ट्री रिलेटेड, तो ये थोड़ा सा पेस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द सनराइज बेकरी प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूस थ्री बेसिक पेस्ट्री मिक्सिस ए बी एंड सी, मतलब तीन टाइप की पेस्ट्री बनाने के लिए उसके पास मिक्सिस ए बी सी, मतलब ए बी सी तीन तरह के मिक्सचर हैं। इन द पास्ट द मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट हैज शोन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मिक्स के इंग्रेडिएंट दे रखे हैं ए बी सी में। फ्लोर 5 kg सी है, डी के लिए 6.5 और सी के लिए 4.5, है ना। यानी ए वाले मिक्सर के लिए फ्लोर चाहिए 5 और बी के लिए 6.5 और सी के लिए इतना। ऐसी फैट चाहिए 1, 2.5, 3 और शुगर चाहिए। ये सारी क्वांटिटीज हमारी केजी में। ड्यू टू चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मिक्सेज, है ना। तो इस मिक्सेज में कुछ चेंज किया गया है। वो चेंज इस तरह से किया है कि जो फ्लोर है पहले वो 5 kg था, तो ए में अब वो 0 kg हो गया, मतलब उसमें जीरो चेंज करना है, कोई चेंज नहीं करना। और फैट में भी कोई चेंज नहीं करना है, मतलब इसमें 1 यूनिट चेंज करना है। और शुगर में कोई चेंज नहीं करना है। बी वाले में 0.5 माइनस करना है और फैट 0.5 प्लस करना है और ये प्लस करना है। इस तरह से हमने उसने चेंज दिया हुआ कि इतना इतना चेंज होना चाहिए द मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स एल्जबरा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैट्रिक्स फॉर द न्यू मिक्सिस। तो मैट्रिक्स फॉर द न्यू मिक्सिस के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो न्यू मिक्स में हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, 5, 1, 1, 6.5, 2.5, 0.5 और 4.532 प्लस कर देंगे जो चेंज हुआ है। जीरो चेंज है, इसमें 1 है, इसमें 0, माइनस के 0.5, 0.5, 0.5। तो जब इन दोनों को हम चेंज करेंगे तो हमारा न्यू मिक्सर आ जाएगा। कितना होगा, ऐड करेंगे 5, 2, 1 और 6.5 में से ये माइनस कर लेंगे 0.5, तो 6, 3, 1 और 5, 3 और 2, ये हमारा न्यू मिक्सर आ गया जिसमें हमारा ये फ्लोर है और फैट और शुगर। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा ये आंसर हो गया, सारे केजी में हमारे न्यू मिक्सचर की क्वांटिटी आ गई। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट टू रीड मीट एन ऑर्डर ऑफ, कितना केजी चाहिए हमें, कितने यूनिट चाहिए, ए ए की 50 यूनिट चाहिए, बी की चाहिए 30 यूनिट और सी की 20 यूनिट। तो इसके लिए हमारे पास कुल कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ए की 50 यूनिट बनाने के लिए कितना फ्लोर चाहिएगा और बी को बनाने के लिए और सी, इस कुल मिला के हमें सारे फ्लोर फैट और शुगर की क्वांटिटी चाहिएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं यूनिट्स की, 50, 30 और 20, ये यूनिट्स हैं ए बी सी। और इसके लिए हमारे को रिक्वायरमेंट क्या क्या है, 5, 6, 5, 2, 3, 3, 1, 1, 2, फ्लोर 5, 6, 5, 2, 3, 3, 1, 1, 2, फैट और शुगर। अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें टोटल क्वांटिटी निकालनी है कि फ्लोर कितना लगेगा। तो उसके लिए हमें इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। 50 यूनिट है ए की और एक यूनिट में 5 kg फ्लोर लगता है, तो इतना फ्लोर तो लग गया ए में, प्लस बी की 30 है और इसमें 6 kg लगता है, इतना लग गया फ्लोर इसमें, और प्लस 20 इंटू 5। तो ये हमारा सारा क्या आ गया,
फ्लोर आ गया, टोटल इतना फ्लोर लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम फैट निकालेंगे, तो यानी ये मैट्रिक्स हमारी थी 1/3 की और ये 3/1 की, सॉरी 3/3, तो आंसर कितना आएगा 1/3। तो ऐसे अब हम फैट निकालेंगे, 15 × 2 100, 30 × 3 90, +20 × 3 60। ऐसे शुगर का निकाल लेंगे, ये हो गया कितना फैट का और ये आ जाएगा हमारा शुगर का। तो 50 + 30 + 20 ये मल्टीप्लाई करके और ऐड करके हम देखेंगे 530, 250, 50, यहाँ पे हमने दूसरे में गलती कर दिया, 15 × अच्छा हाँ ठीक है, 250 और 120, यानी प्रोडक्शन इतनी रिक्वायरमेंट होगी, इतना फ्लोर चाहिएगा, इतना फैट चाहिएगा और इतना शुगर चाहिएगा, अगर हमें 50 यूनिट्स ऑफ ए, 30 यूनिट ऑफ बी और 20 यूनिट्स ऑफ सी बनानी होगी। तो ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, अमाउंट ऑफ ईच टाइप दैट मस्ट बी मेड टू टोटली यूज अप। अगर इतना फ्लोर, इतना फैट और इतना शुगर यूज करते हैं तो कितने टाइप, कितना अमाउंट बनेगा तीनों टाइप का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में खैर नहीं आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे करा रहे हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं कि ए टाइप की एक्स यूनिट बनाई है और बी टाइप की वाई और सी टाइप की जेड, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कितना फ्लोर है, यहाँ पे 370, 370 kg फ्लोर है। ए टाइप को एक बनाने के लिए कितना चाहिए हमें, 5, बी को 6 और सी को 5, तो 5x + 6y + 5z, 5x + 6y + 5z, ये हो गया हमारा फ्लोर के लिए 370 kg फ्लोर है। और ऐसे ही फैट कितना है 170, तो फैट कितना कितना चाहिए देख लेते हैं, 232, 233, तो 2x + 3y + 3z ये फैट हो गया। और शुगर कितना चाहिए है हमारे पास, 80 kg, तो उसके लिए आएगा x + y + 2z। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, 5 6 5 2 3 3 1 1 2, मैट्रिक्स मेथड सभी 12th के स्टूडेंट्स को आना चाहिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में पूरा नहीं करूंगा, बस ऐसे बता दिया कि इसके बाद क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उससे हमारी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, x40 y20 और z10, यानी ए टाइप के इतने यूनिट बनेंगी, बी की इतनी और सी टाइप की इतनी बनेगी, अगर हमारे पास 370 फ्लोर, 170 फैट और 80 kg शुगर होगा। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, केस स्टडी का क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।